नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट न्यूज। वाराणसी से मैं कुमुद सिंह। प्रयागराज में एक बार फिर दबंगों की दबंगई देखने को मिली। 12 दिसंबर की देर रात लालनगर टोल प्लाजा के पास कुछ युवकों ने प्रयागराज से वाराणसी जा रही रोडवेज बस पर हमला कर दिया। दबंगों ने बस का शीशा तोड़ने के साथ ही चालक परिचालक के साथ गाली गलौज और मारपीट की। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने 8 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। जानकारी के मुताबिक गोपीगंज नगर के कुछ युवक सोमवार को प्रयागराज से रोडवेज बस यूपी 78 HN 1077 में सफर कर रहे थे। बस जब गोपीगंज पहुंची तो उन युवकों का चालक और परिचालक के साथ विवाद हो गया। हालांकि बस में सवार लोगों ने बीच बचाव कर मामला सुलझा दिया। आरोप है कि युवक बस के वापस आने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही बस लालनगर टोल प्लाजा पर पहुंची, उन लोगों ने बस पर हमला कर दिया। कौन करो गाड़ी नंबर देखो। चल चल